13 अक्टूबर को अजित पवार गुट की शहर में जनसम्मान यात्रा। गाड़गे नगर में समाधि मंदिर प्रांगण पर होगी विशाल जनसभा। डिप्यूटी सीएम अजित पवार की रहेगी प्रमुख उपस्थिति। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के ने दी पत्रवार्ता में जानकारी। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर डिप्यूटी सीएम अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित जनसम्मान यात्रा का रविवार 13 अक्टूबर को अमरावती शहर में आगमन होने जा रहा है। इस निमित्त पार्टी अध्यक्ष व राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की प्रमुख उपस्थिति के बीच 13 अक्टूबर को दोपहर 1:30 बजे गाड़गे नगर परिसर स्थित गाड़गे बाबा समाधि मंदिर के प्रांगण पर जनसम्मान समारोह के तौर पर विशालकाय जनसभा का आयोजन भी किया गया है। इस आशय की जानकारी आज यहां पर बुलाई गई पत्रकार वार्ता में अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के द्वारा दी गई। इस पत्रवार्ता में बताया गया कि विगत 35 वर्षों के अपने राजनीतिक व सामाजिक जीवन के दौरान डिप्यूटी सीएम अजित पवार ने अमरावती विधानसभा क्षेत्र के कई विकास कामों हेतु भरपूर नीति उपलब्ध कराई। साथ ही विगत 2.5 वर्ष के दौरान राज्य की मायावती सरकार के तहत उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सर्वसमावेशक विकास की ओर पूरा ध्यान दिया, जिसके चलते अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के नागरिकों की ओर से 13 अक्टूबर की जनसभा में डिप्यूटी सीएम अजित पवार का भव्य नागरिक सत्कार भी किया जाएगा। इसके साथ ही इस आयोजन को लेकर जानकारी देते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के ने बताया कि 13 अक्टूबर को होने वाली जनसभा के लिए गाड़गे बाबा समाधि मंदिर के सामने स्थित प्रांगण पर विशालकाय डोम पंडाल साकार किया गया है, जिसके लगभग 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इस पत्रकार वार्ता में दी गई जानकारी के मुताबिक रविवार 13 अक्टूबर को डिप्यूटी सीएम अजित पवार का अमरावती शहर में आगमन होते ही जनसम्मान यात्रा प्रारंभ की जाएगी। इसके तहत आरटीओ चौक स्थित राजमाता जिजाऊ स्मारक, इरविन चौक स्थित महामानव डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर स्मारक, पंचवटी चौक कृषि महर्षि डॉक्टर पंजाबराव उर्फाक्के भाऊसाहेब देशमुख स्मारक, इनका अभिवादन करते हुए डिप्यूटी सीएम अजित पवार द्वारा संत गाड़गे बाबा समाधि मंदिर पहुंचकर कर्मयोगी संत गाड़गे बाबा की समाधि के दर्शन किए जाएंगे, जिसके उपरांत दोपहर 1:30 बजे का उनका समाधि मंदिर के सामने स्थित प्रांगण पर बनाए गए विशालकाय मंच पर आगमन होगा, जहां से वे जनसम्मान समारोह को संबोधित करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के द्वारा इस पत्रकार वार्ता में बताया गया कि आयोजन को सफल बनाने हेतु कई छोटी छोटी समितियों का गठन करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पदाधिकारियों को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंपी गई है। साथ ही शासकीय तंत्र निकेतन एवं रूरल महाविद्यालय के पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इस पत्रकार वार्ता में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के, विधायक सुलभा खोड़के, इनके सहित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहराध्यक्ष प्रशांत डोरे, जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष सुरेखा ठाकरे, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष संतोष महात्मे तथा रतन पहलवान डेंडुले, जीतू ठाकुर, भूषण बनसोड़ आदि उपस्थित थे। अमरावतीच्या विकासामध्ये ज्या सर्वात मोठा कार्यभाग आणि जी मदत अमरावती विधानसभामध्ये पैशासाठी किंवा विकास कामासाठी दादांनी उपलब्ध करून दिली, त्या निमित्ताने आम्ही आमच्या पार्टीमार्फत त्यांचा सत्कार सुद्धा करणार आहोत। या जनसन्मान यात्रेमध्ये प्रामुख्यानं आम्ही जे इथं ज्या लोकांना निमंत्रित केलेलं आहे तिथं जवळपास 95% अमरावती विधानसभा मतदारसंघातलं सर्व जनसन्मान्य उपस्थित राहणार आहे आणि 5% जवळपास आमचे जे पार्टीचे पदाधिकारी वेगवेगळ्या जिल्ह्यात किंवा अजून शहरात बडनेरामध्ये म्हणा किंवा जिल्ह्यामध्ये जे आहे ते प्रमुख पदाधिकारी असा या कार्यक्रमाचं नियोजन आहे। आणि कार्यक्रमाचं स्वरूप असं आहे की 2 वाजता म्हणजे 1:30 वाजता दादांचं आगमन राहणार आहे एअरपोर्टला, 2 वाजता जिजाऊ पुतळ्याचे तिथं हार अर्पणचा कार्यक्रम आहे, त्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा इरविन चौकाच्या तिथं हार अर्पणचा कार्यक्रम आहे, तिथून आपला भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुखांच्या फुलं अर्पणाचा कार्यक्रम आणि पंचवटीपासून ते इथपर्यंत गाडगे बाबांच्या समाधीपर्यंत रॅलीनी म्हणजे चालत रॅलीनी दादांना आम्ही इथपर्यंत आणणार आणि त्यानंतर स्टेज कार्यक्रम म्हणजे बाकीचा जनसन्मान यात्रेचा कार्यक्रम चालू होईल। जवळपास
प्रफुल्ल पटेल तटकरे साहेब आणि दादा असं नियोजन आहे, परंतु अजून दोघांचं अजून काही निश्चित कन्फर्म नाही, कारण की प्रफुल्ल पटेल यांच्या मतदारसंघामध्ये त्या दिवशी देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी काहीतरी इरिगेशनचे मोठे उद्घाटन काहीतरी घेतलेले आहे, त्याच्यामुळे त्यांचं थोडस अजून मागे पुढे चालू आहे, आजच मी बोललो, परंतु निश्चित ते वारणार की हेलिकॉप्टर नाही तो पण अजून काही कार्यक्रम त्यांचा 100% निश्चित नाही। तर या सर्व पार्श्वभूमीवर आपल्याकडून आज आपल्या वृत्तकरणातून आपल्या पेपरमधून आपल्या टीव्ही मीडियाकडून लोकांना ही माहिती जावी याकरता आजची ही प्रामुख्यानं प्रेस कॉन्फरन्स बोलवलेली आहे।